नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और राम मैकेनिकल मैन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को टूल होल्डर के बारे में बताने वाला हूँ कि टूल होल्डर किस तरह से बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हमने जो ड्रिल है, ड्रिल को हम चक्के में ड्रिल चक बांध के हम उसको सीधा करेंगे। देखिए, हमने ड्रिल चक बांध के सीधा कर लिया उसको। देखिए, ड्रिल को हमने सीधा करके उसके बाद हमने स्क्वायर है जिसमें हम बनाएंगे होल्डर, उसको हमने बांध के टाइट कर लिया हूँ। देखिए, अब हमारा चाल सेट नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने जो अड्डी हो हमारा मशीन का और मशीन का अड्डी को हमने घुमा दिया। देखिए, हमने मशीन के अड्डी को घुमा करके हमने टाइट कर दिया। इस तरह से आप लोग ही, अगर नहीं आपको मशीन बड़ी है तो आप लोग नहीं घुमाएं, हमारी मशीन थोड़ी छोटी थी इसीलिए हमने इसको अड्डी को घुमा दिया। हमारा चाल जो था वो पूरा पहुंच नहीं रहा था एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसीलिए हमने अड्डी को घुमाया है। देखिए, अब हम अड्डी को घुमा कर उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर साइड में लगे उधर साइड में लगे, इसीलिए पूरा सेट करें, सीधा करें इसको। इस तरह से आप लोग सीधा करें। देखिए, हम मैं सीधा कर रहा हूँ उसको। देखिए, हमारा जो है जो कि सीधा हो गया, हमने अब कट लगा दिया। कट ज़्यादा तेज रखे ना, ड्रिल टूट सकता है। इस तरह से आप लोग, दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग लास्ट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे बनाया है और किस तरह से बनाया है। अगर बीच में आप रोक देंगे तो आपको वीडियो हमारा समझ में नहीं आएगा हमने बीच में क्या कह दिया, क्या क्या कर दिया। इसीलिए आपको लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने हाँ कैसे बनाया है। दोस्तों, अगर दोस्तों और कोई भी जानकारी होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिख के भेजिए कि हमको किसी चीज़ का भी जानकारी हो। हमने हमारा कट आधा डीप हो गया, मतलब गहरा आधा हो गया है, अब आधा ही। आधा गहरा हो गया इसका, आधा ही डीप और होगा। आप चाहे हाथ से चाल खींच सकते हैं, चाहे आपको मशीन चाल लगती है तो चाल से चला सकते हैं, तब हमारी मशीन चाल चलती है, इसीलिए हमने चाल को लगा दिया है अपने आप। हमारा अभी लास्ट कट है, अभी हमारा होल्डर इधर को बन गया है। उसको हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। ये हमारा ये डीप अप पूरा हो चुका है, बस यही अब लास्ट कट हमारा जा रहा है।
देखिए हमारा रेप पूरा हो चुका, थोड़ा वीडियो लंबा है इसीलिए माफ़ करना, छोटा वीडियो में बन नहीं रहा था इसीलिए थोड़ा सा लंबा करना पड़ा वीडियो को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, देखिए हमारा ये टूल होल्डर तैयार हो गया। देखिए हमने टूल इसमें डाल के एक चेक कर लिया, हमारा टूल सही है। देखिए ये कभी भी टूल जो रहता है नीचे होना चाहिए, ऊपर रहेगा तो आप फंस सकता है। अब उसको हम टूल को होल्डर को हम बंद करेंगे, जो हमने टूल होल्डर जब बंद रहता है तो सबसे ज़्यादा मजबूती उसी में रहता है, अगर खुला रहता है तो मजबूत उतना नहीं रहता है अपना होल्डर। देखिए अब हमको उस पर ढक्कन लगा देना है, बंद कर देना है ऊपर से। पहले आप जो पत्ती को ले लें, पत्ती में गली निकाल के उसमें जो बोल्ट रहता है बोल्ट नट को वेल्डिंग कर लें, बोल्ट डाल के बीच में। देखिए हमने पहले बोल्ट डाल के वेल्डिंग कर लिया उसमें नट को, जो हम टाइट करेंगे जो टूल हो गया बिट हो गया। देखिए हमने उसको वेल्डिंग कर रहा है, देखिए पत्ती को, पत्ती के साथ में हमने नट को वेल्डिंग कर दिया उसमें डाल के, देखिए इस तरह से ऊपर से हमने उसको बंद कर देता हूँ। सेंटर सीधा रखिए सेंटर में, नहीं तो साइड में अगर वेल्डिंग कर देंगे तो आपका जो टूल रहेगा वो पूरा टाइट नहीं होगा, फिर आप बोल्ट पूरा नहीं निकलेगा नीचे तक, इसीलिए उसको सेंटर में वेल्डिंग करी। इसको हम लिखा वेल्डिंग कर दे रहा हूँ, इस तरह से। दोस्तों हमारा वीडियो अब लास्ट है, देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर बीच में रोक देंगे वीडियो आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने किस तरह से वेल्डिंग किया, सॉरी दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है मगर आप लोग ज़रूर देखें। हमारा टूल होल्डर वेल्डिंग हो चुका, देखिए हमने उसको लाया, देखिए होल्डर हमने बीच में डाल के उसको, देखिए इस तरह से हमने बोल्ट लगा हुआ है सीधा सेंटर में, एंड देखिए हमने टूल को डाल लिया बीच में, टूल को डाल करके देखिए हमने ऊपर से टाइट कर दे रहा हूँ। देखिए मशीन में हमने बांध लिया, हमने मशीन में बांध रहा हूँ, देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने बात किया मशीन में, देखिए हमने टूल को, हमने टूल को टाइट कर दे रहा है, देखो इस तरह से आप टूल। और हमने कट इसमें हैवी लगा सकते हैं, जितना चाहे जितना हमारी मशीन कट खींचे उतना हम कट को लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने होल्डर को तैयार कर दिया, लेकिन दोस्तों अगर हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय।